नमस्ते दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट चार्ज के। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और इसमें टाइप करते हैं IRCTC। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पर हम जो सबसे पहले सर्च रिजल्ट है उस पर क्लिक कर देते हैं तो हम IRCTC के मेन वेबसाइट पर एंटर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप सिंपली रजिस्टर में जाकर अपना नया आईडी बना सकते हैं। अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए कि कैसे रजिस्टर करते हैं तो आप कमेंट कर बता सकते हो, हम जल्द ही वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो चलिए अब लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पहले नंबर का बॉक्स है, इसमें हमें उस स्टेशन का नाम डालना है जहां से हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डाल देते हैं और इस बॉक्स में हम अपने डेस्टिनेशन यानी जिस जगह पर हमें उतरना है उस स्टेशन का नाम डाल देते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसमें हम अपना तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस तारीख को हमें जर्नी करना है। जो क्लास है इसमें हम ऑल क्लास को ही रखते हैं। उसके बाद सीधा सर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उस डेट में उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जितने भी ट्रेन है उसका लिस्ट हमारे सामने खुल के आ जाता है और यहाँ पर ट्रेन का नाम, नंबर, ट्रेन छूटने का समय और ट्रेन के पहुंचने का समय लिखा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन का अलग अलग कोच दिया गया है, स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट क्लास एसी। दोस्तों, हम इसे क्लिक कर देख सकते हैं कि स्लीपर या अदर कोच में कितना सीट अवेलेबल है और साथ ही इसका प्राइस भी देख सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये दूसरा ट्रेन भी दिया हुआ है जिसके कोच में क्लिक करके सीट की अवेलेबिलिटी को देख सकते हैं। फिर इसे सेलेक्ट करके और बुक ऑप्शन को क्लिक करके हम ट्रेन टिकट बुक करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों, यहां पर हमें जो यात्रा करने वाले पैसेंजर है उनका बेसिक डिटेल भरना होता है। तो चलिए भरते जाते हैं। सबसे पहले हम पैसेंजर का नाम डालते हैं, साथ में उम्र और लिंग भी सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर पैसेंजर एक से अधिक है तो ऐड पैसेंजर में क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहां पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। फिर स्क्रॉल कर नीचे आना है। यहां पर कंसीडर फॉर ऑन्टो अपग्रेडेशन के चेकबॉक्स में टिक लगा देते हैं। दोस्तों, ये टिक लगाना बहुत जरूरी है। इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी कारण से आपको सीट नहीं मिल पाता तो आपका सीट अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी आपको स्लीपर से एसी कोच भी मिल सकता है। यहाँ पर आप चाहे तो ट्रेवल इंश्योरेंस भी ले सकते हो। इसके लिए आप यस में टिक कर दे, मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है, मैं नो में टिक कर देता हूँ। इसके बाद पेमेंट मोड में आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, कूपन कोड से भी आप पेमेंट करके अपना टिकट जेनरेट कर सकते हो। मैं यहां पर पे थ्रू भीम UPI ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूं। यहां पर पैसेंजर डिटेल कंफर्म करके कैप्चा कोड डालकर कंटिन्यू कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद इस फाइनल पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे एंड बुक में क्लिक कर देते हैं। फिर हमारे सामने इस प्रकार QR कोड दिखाई देता है। इस QR कोड को हम अपने मोबाइल से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे किसी भी UPI ऐप के थ्रू स्कैन करके
पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है, हमारा टिकट जनरेट होकर आ जाता है, जिसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।